तो पॉइजन्स रेशियो क्या चीज है? हमने पूरी इलास्टिसिटी कर ली, हमने हर क्वेश्चन में कहा हम वायर को खींचेंगे, एक्सपैंड करेंगे, बढ़ाएंगे लेंथ को। जब हम लेंथ को बढ़ाते हैं, हमने एज्यूम किया कि एरिया रिमेन सेम, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। अब वायर को जब लंबा करेंगे तो एरिया आपका कम हो जाएगा, ऐसे ही होगा। हमने लिया नहीं आज तक, पर अगर लिया जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइसन रेशियो लगती है। ये दोनों चीज़ों को लेता है, ये डायमीटर भी लेता है, डायमीटर कम हो रहा है जब लेंथ इंक्रीज हो रही है। जब लेंथ इंक्रीज होगी वायर की तो डायमीटर का एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पॉइसन रेशियो में क्या बताया जाता है कि जब आप लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो बॉडी में कौन सा स्ट्रेन आता है, लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल बाई एल, और जब आप बॉडी को खींचते हैं लेंथ में स्ट्रेन है तो डायमीटर कम हो रहा है तो डायमीटर में भी स्ट्रेन है। डायमीटर का स्ट्रेन क्या है, डेल्टा डी बाई डी, और क्योंकि लेंथ बढ़ रही है तो डायमीटर कम हो रहा है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। लेंथ में स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और डायमीटर के स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। और इनकी रेशियो को बोलते हैं, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की रेशियो को बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो। तो ये पॉइसन्स रेशियो है, क्लियर है यहां तक? तो जहां दोनों चीजें चेंज होंगी वहां ये कॉन्सेप्ट लगता है, नॉर्मली नॉर्मल क्वेश्चन में देखा नहीं लगता हुआ, ठीक है। फिर भी इसकी जो वैल्यूज हैं, इसकी वैल्यू पॉइसन रेशियो की -1 और 0.5 के बीच में लाई करती है थ्योरेटिकली, जब हम किताब में करते हैं आइडल कंडीशंस पे, लेकिन प्रैक्टिकली जब लैब में एक्सपेरिमेंट होता है तो 0 और 0.5 के बीच में लाई करती है। ये वैल्यूज याद रखनी है, और ये चार फॉर्मूलाज आप नोट कर लें, जिसमें आपको रिलेशन गिवन है यंग्स मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का और पॉइसन रेशियो का, जिसमें गिवन है वाई का कोफिशियंट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का सिग्मा का, वाई का ईटा का के का और सिग्मा का। नीट के अंदर और मेंस के अंदर मैंने प्रीवियस ईयर में आपको इस क्वेश्चन को आते हुए देखे हैं, न्यूमेरिकल कोई नहीं आएगा, ये फॉर्मूला मार्क करने को आएगा, करेक्ट ऑप्शन मार्क करो। तो करेक्ट ऑप्शन बहुत इरिटेटिंग है, याद कौन करेगा, ठीक है। तो आप एक बार अपने हाथ से लिख लो फॉर्मूला बुकलेट में, तो वहां पर क्या होगा, जैसे ये ऑप्शन आएगा, मिलते जुलते तीन ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, तो आपको ये ऑप्शन मार्क करना है करेक्ट। तो चारों अपने हाथ से लिख लो, देखा हुआ होगा तो आप लिख लेंगे, नहीं देखा तो सारे जैसे लगेंगे आपको। तो बस ये कर लो और कुछ नहीं करना इसमें।